अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। दोस्तों कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान पेनल कोड के एक सेक्शन में ही है। बहुत फेमस सेक्शन है 378, जिसमें थेफ्ट को एक्सप्लेन किया गया है कि थेफ्ट क्या है, उसकी पनिशमेंट क्या है। सिंपली हम कहते हैं कि चोरी। तो आज हम चोरी के ऊपर बात करेंगे कि चोरी होती कैसी है, चोरी करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और उनकी पनिशमेंट क्या है। तो बेसिकली जो डेफिनेशन पाकिस्तान पेनल कोड में दी हुई है उसको थोड़ा सा पढ़ें, तो उसके आगे हम अपनी एक सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। पहले डेफिनेशन पढ़ लें जो पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 378 में लिखी हुई है। लिखा हुआ है, हु एवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजिशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेड टू कमिट थेफ्ट। अच्छा, तो ये ऐसा होता है कि लॉ स्टूडेंट के साथ जब भी वो एक लॉ की लैंग्वेज में कोई चीज़ लिखी होती है ना, तो पहले तो वो ऐसे बाउंसर्स लग जाते हैं, बाउंसर की तरह गुजर जाती है कि भाई क्या हुआ, पढ़ तो गए लेकिन समझ नहीं क्या है। तो आए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि थेफ्ट क्या है। थेफ्ट हम उसे कहते हैं कि कोई भी बंदा डिसऑनेस्टली, मतलब कि बदनीयती से और इंटेंशन के साथ किसी दूसरे ओनर की, किसी मालिक की कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी बंदा एक मतलब रियल ओनर है किसी प्रॉपर्टी का, उसके कंसेंट, उसकी इजाज़त के बगैर बदनीयती से, इरादे से, इंटेंशनली कोई भी चीज़ वहीं से मूव करता है, उठाता है, दैट इज़ द थेफ्ट। अच्छा, देखते हैं कि थेफ्ट के एसेंशियल्स कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें थेफ्ट के लिए बहुत नेसेसरी हैं। अगर वो चीज़ें कंप्लीटेड हैं तो थेफ्ट भी समझी जाएगा कि यस इट इज़ कमिटेड थेफ्ट। अच्छा, चोरी करने के लिए पहली पहली जो चीज़ होती है, नंबर फर्स्ट जो चीज़ होती है, पहला एसेंशियल जो होता है, देयर मस्ट बी मूवेबल प्रॉपर्टी। जब भी चोरी होती है ना, तो उसके लिए चोरी होती ही मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की नहीं होती। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है कि एक प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह तक मुंतकिल की जा सकती हो, कि उसे हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। जस्ट लाइक सेल फोन, मोबाइल मूवेबल प्रॉपर्टी है, बाइक, कार, ETC, ये मूवेबल प्रॉपर्टी। कोई चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह पे हम मूव कर सकें, दैट इज़ द मूवेबल प्रॉपर्टी। और इमूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो जो अर्थ से अटैच्ड होती है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो हम एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल नहीं कर सकते, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि एक बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग को तो हम चोरी नहीं कर सकते ना, एक जा सकते। या लैंड हो गई, ज़मीन हो गई, तो ज़मीन भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो पहला एसेंशियल ये है कि प्रॉपर्टी जो, इट मस्ट बी द मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल होनी चाहिए प्रॉपर्टी जो भी है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी कभी भी उसकी चोरी नहीं की जा सकती। द फर्स्ट एसेंशियल इज़ दैट कि देयर मस्ट बी द
मूवेबल प्रॉपर्टी। और दूसरी बात ये कि जो बंदा चोरी कर रहा है तो उसका इंटेंशन भी होना चाहिए और डिसऑनेस्टली कोई चीज़ उठाए, चोरी करे। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हम फ्रेंड्स आपस में बैठे हैं, ठीक है, कि मैंने किसी की सेल फोन उठा ली अपने फ्रेंड की ऐसे यूज़ करने के लिए, तो उठा सकता है। पर अगर मेरा इंटेंशन हो कि मेरा फ्रेंड या कोई दूसरा बंदा है वो अपने काम में लगा है, उसका यार लैपटॉप पड़ा है या उसकी मोबाइल पड़ी है, तो मैं वहीं से उठा के चला जाऊँ, उसको पता भी नहीं हो, तो ये मेरा मतलब एक तो इंटेंशन था और दूसरा डिसऑनेस्टली मैंने वहीं से चीज़ उठाई। तो दूसरी चीज़ ये बहुत ज़रूरी है कि बंदा जो चोरी कर रहा है वो इंटेंशनली कर रहा हो और डिसऑनेस्टली, मतलब बदनीयती उसकी हो कि यार ये चीज़ मुझे उठानी है। ये दूसरा एसेंशियल इसके लिए बहुत नेसेसरी है। और तीसरी बात कि जो बंदा चोरी कर रहा है, जो बंदा चोरी कर रहा है ही मस्ट बी द साउंड माइंड। जो बंदा चोरी कर रहा है वो मेंटली फिट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक पागल है, रास्ते से जाते जाते किसी शॉप से कोई चीज़ उठा ली, मतलब वो साउंड माइंड नहीं है, उसका मेंटलिटी जो है वो ठीक नहीं है, तो ये भी चोरी में नहीं आएगा। कि मतलब बंदा फिट होना चाहिए, उसे अकल होनी चाहिए, उसे ये पता होना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, उसे हर चीज़ का पता होना चाहिए। तो तीसरी बात ये आ गई। और चौथा एसेंशियल जो है फोर, कि प्रॉपर्टी मस्ट बी स्टॉलन फ्रॉम एनी पर्टिकुलर प्लेस लाइक होम, बिल्डिंग, शॉप, etc. कि जो भी प्रॉपर्टी स्टॉलन होती है या चोरी की जाती है तो वो किसी पर्टिकुलर जगह से चोरी की गई हो, किसी शॉप से चोरी की गई हो, किसी घर से, किसी स्कूल से, मतलब कोई ऐसी पर्टिकुलर बिल्डिंग हो या पर्टिकुलर कोई ऐसी प्लेस हो जहाँ से वो चोरी की गई हो। मैंने या ए ने जेड के घर से या ऑफिस से लैपटॉप चोरी कर लिया, या कोई घर से, मतलब कि किसी पर्टिकुलर प्लेस से कोई चीज़ चोरी की गई हो, जस्ट सपोज़ एक बंदा रोड से जा रहा है, ओपन प्लेस है, पब्लिक प्लेस, रोड से हाईवे पे उसको कोई चीज़ मिल जाती है, वहीं से उठा ले, दिस इज़ नॉट अ थेफ्ट, ये चोरी में नहीं आता। कि मतलब जो भी प्रॉपर्टी है वो किसी पर्टिकुलर जगह से चोरी की गई हो। और इसके आगे जो इसका एसेंशियल है वो है कि प्रॉपर्टी मस्ट बी लीगल। जो प्रॉपर्टी चोरी की गई है वो लीगल होनी चाहिए। लीगल से क्या मुराद है कि सपोज़ कैसा होता है कि एक रात में कुछ चोर कोई प्रॉपर्टी चोरी करके आए, दूसरे घर से, किसी बिल्डिंग से या किसी भी जगह से, उन्होंने आके किसी दूसरी जगह में रखा, और अगली रात कोई दूसरे चोर आए वो प्रॉपर्टी उठा के ले गए, तो इसके लिए वो जो चोर चोरी करके आए थे वो क्लेम नहीं कर सकते। सो The property must be legal for which can be claimed. मतलब ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए अगर वो चोरी हो जाए तो उसके लिए हम क्लेम भी कर सकें। तो ये चीज़ें एसेंशियल्स हैं जो चोरी में आ जाते हैं, कि अगर कोई बंदा चोरी करेगा, अगर ये चार पांच चीज़ें इसमें आ जाती हैं कंप्लीटेड, देन इट विल बी कंसिडर्ड टू कमिट द थेफ्ट, तो ये चोरी हो जाएगी।
एक बंदा है, साउंड माइंड है, ठीक भी है, इंटेंशनली डिसऑनेस्टली किसी भी। अच्छा, तीसरी बात इसमें ये थी एसेंशियल में कि वो जो प्रॉपर्टी चोरी की गई है वो विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी का ओनर है या वो जो उसका पोजीशन होल्डर है तो उसकी इजाज़त के सिवा, उसकी इजाज़त के सिवा ये प्रॉपर्टी मूव की गई हो तो इट विल कम आल्सो अंडर द कैटेगरी ऑफ द थेफ्ट। ये भी थेफ्ट में आ जाएगी। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं थेफ्ट के लिए कि प्रॉपर्टी लीगल हो, बंदा साउंड माइंड होना चाहिए विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर एंड प्रॉपर्टी मस्ट बी स्टोलन फ्रॉम पर्टिकुलर प्लेस एंड प्रॉपर्टी मस्ट बी स्टोलन इंटेंशनली एंड डिसऑनेस्टली। दीज आर द वेरी इम्पोर्टेंट थिंग्स टू कमिट थेफ्ट। थेफ्ट कमिट करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और अगर कोई बंदा चोरी कर लेता है, ये सारी चीज़ें कंप्लीटेड हैं और उस पर उसकी पनिशमेंट क्या होगी, और पनिशमेंट भी जो है अंडर सेक्शन 379 ऑफ द पाकिस्तान पेनल कोड में दी हुई है कि कोई भी बंदा चोरी करता है तो उसकी पनिशमेंट 3 years तक है एंड इट मे बी एक्सटेंडेड, आगे भी बढ़ सकती है 3 years तक है और इसके साथ फाइन भी है या दोनों हो सकते हैं। सो दिस इज़ द पनिशमेंट ऑफ कमिटिंग थेफ्ट। सो इंशाल्लाह विल बी मीटिंग अगेन इन नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियोज़। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच।